वही चिप्स खाना तो हम सभी को पसंद है, बट हमेशा हम उसके नुकसान से डरते हैं। तो आपको दिखाएंगे वीट चिप्स की प्रोडक्शन। वीट चिप्स हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं और टेस्ट में भी बिल्कुल बढ़िया होते हैं। गुजरात की सबसे बड़ी वीट चिप्स की आपको आज फैक्ट्री दिखाने वाले हैं। कंपनी में जो भी रॉ मटेरियल आता है वो यहाँ पे पहले रिसीव होता है, तो कसूरी मेथी में मैन्युअली क्लीनिंग करना पड़ता है। उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको रिमूव यहाँ मैन्युअली करना पड़ता है। ये जो मशीन है इसके अंदर पूरा फ्लोर का शॉर्टिंग हो जाता है, क्लीन निकल सकते, फिर ये जाता है पूरा ऊपर रेसिपी रूम। फाइबर क्लीनिंग होने के बाद यहाँ पे ऊपर आता है रेसिपी रूम में। रेसिपी रूम में उसका हर एक बैच के वाइज वेट करना है। उसमें दो तीन प्रकार के अलग अलग फाइबर लगेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मसाले के लिए तैयारियाँ हो रही है, मसाला खाकरा, तो उसके लिए ये क्यूमिन्स, ये अजवाइन है, ये सारी चीज़ें उसमें पड़ेगी। उसका यहाँ पे एक फिक्स जो हमारा रेशियो है उसके हिसाब से उसका वेट करें। अलग अलग प्रोपोर्शन में जो भी मसाले डलते हैं वो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाता है सर। यहाँ पे हमारा डो मिक्स सारा हो गया। हमने जो ऊपर प्रोसेस देखा उसमें डो मिक्सिंग से लेके जो क्यूसी होता है वहाँ तक का हमारा एक सीक्रेट प्रोसेस है। डो मिक्सिंग होने के बाद उसको हम मशीनरी में डालते हैं, उससे हमारा जो व्हीट चिप्स है उसकी शेप मिलता है, उसको शेप मिलता है। शेप मिलने के बाद उसका फाइनल रोस्टिंग के लिए वो तैयार हो जाते हैं वहाँ से। उसके बाद उसका एक फाइनल रोस्टिंग होता है। फाइनल रोस्टिंग हो जाने के बाद हम उसका मैन्युअली क्यूसी करते हैं हर एक प्रोडक्ट का। जैसे आपने क्यूसी के अंदर देखा कि भाई वो एक एक पीस चेक करते हैं, उसमें से जो भी प्रॉपर सिकाई नहीं हो रही है उसको हम अलग से करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड फिक्स है, ये जो आप व्हीट चिप्स देख रहे हैं वो 30 ग्राम का पैकेज है, उसमें चार पीस लगेगा। एक पीस 7.5 ग्राम का होता है हमारा फिक्स। ये फिर वैक्यूम होने के लिए जाएगा। वैक्यूम मशीन में पैकेट के अंदर जो भी एयर रहती है वो पूरा निकाल के उसको सीलिंग किया जाएगा, ताकि ऑक्सीजन की वजह से जो प्रोडक्ट ख़राब होता है वो नहीं होता है। वैक्यूम मशीन में से जो भी पैकेट निकला है यहाँ पे आके उसका वेट चेक होता है इंडिविजुअली हर एक पैकेट का। और इसमें वैक्यूम अगर खुला हुआ है तो भी यहाँ से पता चलता है। हमने जो देखा था वैक्यूम किया हुआ पैकेट जो फाइनल वेट करके चेक करके नीचे आ जाता है, इसमें सारे पैकेट्स रख के उसके ऊपर फाइनल एक हमारा आउटर पैकेजिंग है वो चढ़ जाता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, MRP ये सब प्रिंट होगा। सीलिंग नीचे हमारी कंपनी में जो भी अभी वर्कर्स है उसमें ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं, तो महिला सशक्तिकरण का जो है एम हमारा पहले से वही चला आ रहा है कि जो ये चीज़ ऐसी है कि जो महिला ही बेहतर तरीके से बना सकती है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं हर एक फील्ड में। इवन टेक्निकल स्टाफ जो भी रहता है, मशीनरी ऑपरेटर वगैरह, सब भी हम महिलाओं का ही यूज़ करते हैं। वहाँ पर फ्लोरेप मशीन में से जो भी पैकिंग होकर फाइनल निकला है वो सारा यहाँ पर स्टोरेज होता है और यहाँ से फिर डिलीवरी के लिए डिस्पैच हो जाता है।